हेलो, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है, पोषक तत्वों का कार्य एक दृष्टि में हम देखते हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट ए ग्लैंस। इसमें एक साइड दिया है पोषक तत्व, बीच में दिया है सेंटर में मुख्य कार्य, और लास्ट में दिया अतिरिक्त कार्य। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, न्यूट्रिएंट दिया है, मुख्य कार्य या मेन फंक्शन दिया है, एक्सेसरीज फंक्शन यहाँ पे दिया है, अतिरिक्त कार्य। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज हम लोग पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह रहा है किसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम होता है। और अतिरिक्त क्या कार्य करता है, शरीर निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करता है, कौन, हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसी को हम कार्बोज के भी नाम से जानते हैं। कह रहा है कि प्रोटीन क्या करता है, मुख्य का कार्य क्या होता है, शरीर का निर्माण करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर की रक्षा करना। और अतिरिक्त कार्य में क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। वसा, जिसे हम फैट कहते हैं, इसका क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करना और शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अच्छे विटामिन्स है, विटामिन्स क्या करता है, विटामिन ये शरीर की रक्षा प्रदान करता है, शरीर क्रियाओं का नियमन नियंत्रण करने का काम करता है। अगर अतिरिक्त कार्य में देखते हैं तो शरीर निर्माण और मरम्मत का कार्य करता है। खनिज लवण, ये है रक्षात्मक, सारी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण, शरीर निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करता है। जल, इसमें पोषक तत्व हमारे छः दिए थे, ये है जल, यहाँ पे बताया गया लास्ट, शरीर सारी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करना, शरीर निर्माण एवं मरम्मत करना, ये हमारे प्रमुख क्या थे, ये सभी पोषक तत्व थे। कितने थे, 1 2 3 4 5 6 पूरे पोषक तत्व के बारे में यहाँ बताया गया, उसके कार्य, मुख्य कार्य और अतिरिक्त कार्य क्या होते हैं। आगे हम देख लेते हैं, इसमें कह रहा है एक साइड दिया है भोज्य समूह और उपस्थित तत्व और मात्रा। तो यहाँ आप देखेंगे प्रोटीन कह रहा है कि अगर भोज्य समूह में किस में देखने को मिलता है, तो ये कह रहा है कि जो प्रोटीन है युक्त भोज्य पदार्थ, जो युक्त हो, जिसमें सबसे अधिक, मतलब जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, शरीर में अत्यधिक आवश्यकता देखते हुए प्रथम स्थान दिया जाता है किसकी, प्रोटीन के। शरीर में हमारे शरीर में अगर न्यूट्रिएंट की सबसे प्राथमिकता किसको दी जाती है, प्रोटीन को दी जाती है। फिर उपस्थित तत्व क्या हो सकते हैं, लव तत्व, फोलिक अम्ल, वसी अम्ल, प्रोटीन, विटामिन्स व अन्य खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं, ये कार्बनिक होते हैं कि अकार्बनिक होते हैं, या अकार्बनिक होते हैं, जलाने पर धुआं नहीं देते हैं। और ये कह रहा है कि दालें, ये भी हमारे प्रोटीन के स्रोत हैं। दालों में क्या है, राजमा है, चना, अरहर, मूंग है, मसूर, उड़द है, मोठ है, सोयाबीन आदि हमारे क्या है, ये सब प्रोटीन के स्रोत है। और प्रोटीन की यहाँ पर उपस्थित तत्व देखते हैं, प्रोटीन है और जो कि अदृश्य, इसमें वसा भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं। विटामिन्स और खनिज लवण भी होते हैं, इसकी मात्रा 2 से 3 बार आहार में सम्मिलित करें, 1 सर्विंग में 10 से 15 ग्राम पर्याप्त तो होता है एक बैलेंस डाइट के लिए। आगे ये कह रहा है कि दूध एवं दूध से बने पदार्थ, छाछ, दही, मावा, मिठाइयाँ, बने पनीर आदि, ये सभी दूध दूध से बने पदार्थ हैं। इसमें क्या होता है कि विटामिन्स होता है, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन आदि सभी किसके स्रोत होते हैं। ये आहार में 2 से 3 बार सम्मिलित करें, 1 सर्विंग में, या एक बार में सर्व कितना करते हैं, 100 से 125 ग्राम पर्याप्त तो होता है। आगे कह रहा है कि रक्षात्मक फल में, फल एवं सब्जियों में क्या कह रहा है, हरे फल एवं सब्जी, पीली सब्जियाँ, पालक है, बथुआ है, मेथी है, चना का साग है, सरसों का साग है, हरे प्याज एवं पत्ते, काशी फल, ये सभी हमारे हरे पत्तेदार फल एवं सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो क्या क्या पाए जाते हैं, विटामिन बी सी, कैरोटीन, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, रक्त, तो ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं। अच्छा, लेना कैसे, 2 से 3 बार आहार में सम्मिलित किया जा सकता है, 1 सर्विंग में कितना होता है, 50 से 75 ग्राम, एक बार में 50 से 75 ग्राम आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है कि विटामिन सी युक्त फल एवं सब्जियाँ आता है, विटामिन सी के स्रोत कौन से, आंवला है, बेर, अमरूद है, पत्ता गोभी, अंगूर है, आम है, पपीता है, नारंगी, ये सभी हमारे विटामिन सी एवं फल सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, इसके बाद नींबू में और बहुत चीज़ों में पाया जाता है। यहाँ पे है कि इसके स्रोत में पूछ रहा है कि विटामिन सी क्या इसमें न्यूट्रिशन है, तो विटामिन सी, ए, बी व खनिज और रेशा को ही रफेज के नाम से जाना जाता है, ये सभी पाए जाते हैं। अगर दिन की बात करता है, 2 से 3 बार आहार में सम्मिलित किया जा सकता है, 1 बार में सर्विंग करने से 50 से 75 ग्राम के हिसाब से पर्याप्त तो होता है। आगे देखेंगे हम, यहाँ द्वितीय रक्षात्मक समूह के अंतर्गत देख लेंगे अन्य फल, सब्जियाँ एवं फल। ये कह रहा है कि लौकी, बैंगन, करेला, कटहल, आलू, प्याज, भिंडी, सेम, टिड्डा, मटर, चुकंदर,
फल केला सेब तरबूज ककड़ी ये सभी क्या है, अद्वितीय रक्षात्मक समूह के अंतर्गत अन्य सब्जी और फल के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होते हैं, रेसेस पाए जाते हैं जो रफेज होते हैं, विटामिन्स व खनिज लवण और जल भी आदि मात्रा में होते हैं। आहार में हमें कैसे लेना है, 2 से 3 बार इसे हम सम्मिलित कर सकते हैं। कितने ग्राम, एक बार में 50 से 75 ग्राम फल एवं सब्जियों का पर्याप्त हमारे लिए होता है। आगे कह रहा अनाज व मिलेट, मिलेट अभियान चला था 2024 में मिलेट अभियान चला था, इसके लिए लागू किया गया था अनाज व मिलेट। मोटा अनाज चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ आदि ये सभी हमारे मिलेट व अनाज के अंतर्गत आते हैं, सब सब्जी के समूह हैं। इसमें क्या पाया जाता है, कार्बो अदृश्य वसा होते हैं, विटामिन बी 12 होते हैं जो परनेसियस अनिमिया होता है, विटामिन बी 12 की कमी से होता है, इससे हम दूर कर सकते हैं। विटामिन बी 12 की भरपूर मात्रा हमारे शरीर में है तो परनेसियस एनीमिया नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि न्यासीन आदि दालों व दूध के साथ मिलाकर उपयोग करने से गुणवत्ता बढ़ जाती है, और कह रहा है आधी कटोरी चावल, 2 दिन 3 चपाती एवं सर्विंग के लिए पर्याप्त होता है एक बार सर्व करने के लिए। वसा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि तेल, घी, मक्खन, तेलयुक्त बीज, मूँगफली, सोयाबीन आदि ये सब वसा के स्रोत हैं, मतलब इसके माध्यम से हम वसा मतलब क्या करते यूज करते हैं, सभी के माध्यम से पाया जाता है। ये कह रहा है कि अगर वशी अम्ल वसा हमारे अगर शरीर में टूटने के बाद क्या हो जाता है, वशी अम्ल कन्वर्ट हो जाता है। वशी अम्ल वसा विटामिन का अवशोषण करता है, और ये कैसे लेना है, दिन में 3 से 4 बार आहार में सम्मिलित करना चाहिए, 15 से 20 ग्राम एक बार में पर्याप्त होता है। लेकिन शक्कर, गुड़ आदि शक्कर से बनी अन्य सामग्री क्या होता है, इसमें कार्बोज पाया जाता है, इसको अगर हमको लेना है तो 25 से 30 ग्राम गुड़ एक सर्विंग में ले सकते हैं। कि कार्बोज का क्वांटिटी कैसे होता है, कितने भागों में डिवाइड होता है, कौन कितने अणु मिलकर बने होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। कार्बोज वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें ये कार्बोज तीन सरल रूपों में टूटता है, किसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कार्बोज में क्या हो गया, आलू है, चावल है, कुछ बीज वाली सब्जियाँ हो गया, आटा हो गया, ये सब इसके स्रोत हैं। अच्छा, सरल शर्करा के केवल 1 अणु होते हैं इसमें, और इसमें सरल शर्करा के केवल 2 अणु होते हैं, और पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, सरल शर्करा के साथ इसमें 1 से अधिक अणु होते हैं। ये हमारे 3 भाग में कार्बोज डिवाइड है। इसका फुल फॉर्म देख लेते, मोनोसैकेराइड इसमें कार्बोज का है, C6H12O6 हो गया, और इसमें डाइसैकेराइड में जब होता है सरल 2 अणु में टूटता है तो C12H22O11, और पॉलीसैकेराइड में जब टूटता है तो रासायनिक सूत्र क्या बनता है, C6H10O5। ये जल में अघुलनशील होता है, पहले इंडिकेट कर दिया गया जल में पॉलीसैकेराइड अघुलनशील होता है। अब हम देखेंगे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कितने अणु में टूटते हैं, 1 अणु में, डाइसैकेराइड 2 अणु में, और पॉलीसैकेराइड 1 से अधिक अणु में टूटते हैं। अब देखते हैं पहले मोनोसैकेराइड कितने भाग में डिवाइड है, 3, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज के अंतर्गत क्या आता है, शर्करा का सरलतम रूप आता है अंगूर का, अंगूर से अंगूर शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज के अंतर्गत क्या आता है, लैक्टोज के पाचन के से निर्माण सेरेब्रोमाइड का एक महत्व भाग है, पेड़ पौधे में अनुपस्थित होती औद्योगिक तरीके से निर्माण किया जाता है। फ्रक्टोज में क्या होता है, शहद, फल, गन्ना जैसे जो फलों के रस होते हैं वो फ्रक्टोज के अंतर्गत आते हैं। ये है फल का शर्करा। अब आते हैं अगर डाइसैकेराइड पे, डाइसैकेराइड को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो डाइसैकेराइड भी 3 फॉर्म में है। कितने भाग में डिवाइड है, 3, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज क्या कर, पाचन के बाद 1 अणु ग्लूकोज, 1 अणु लैक्टोज, ये मिलकर पाचन का 1 अणु बनता है। फिर यहाँ पे माल्टोज कह रहा है कि अंकुरित अनाज, जौ एवं जौ से संबंधित उत्पादों में टूटने के बाद 2 अणु ग्लूकोज स्टार्च एंजाइम के प्रभाव से माल्टोज में बदलता है। लैक्टोज दूध की शर्करा होती है, दूध से प्राप्त उत्तम साधन होते हैं, रवे आसानी से नहीं बनते हैं, पानी में जल्दी नहीं घुलते हैं। ये क्या कह रहा है, लैक्टोज कह रहा है। अच्छा, सभी 3-3 में डिवाइड है। अब हम आएंगे पॉलीसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड सरल से अनेक अणु बनते हैं। ये है, पहले हम चलेंगे स्टार्च को देखते हैं, 2 भाग में 3 भाग में ये भी डिवाइड है, 1, 2 कितने भाग में है, 1, 2, 3, 4 भाग में डिवाइड किया गया है पॉलीसैकेराइड को। स्टार्च पहले देख लेते हैं,
जल में पहले स्टार्च अघुलनशील होते हैं, पेड़ पौधों के बीच इन जड़ों में अधिक होती है। स्टार्च ऊर्जा प्राप्ति के साधन है, ठंडे पानी में अघुलनशील होता है, गर्म पानी में जैसे जली का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड में यहाँ पर तीन भाग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे है ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन के रूप में यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे भाग दिखाया गया। तो पहला है यहाँ पे पांच भाग है, पहले ऊपर था स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन। तो स्टार्च हम बता दिए, ग्लाइकोजन है जंतु और मनुष्य की यकृत मांसपेशियों में पाया जाता है, जो वसा के रूप में फैट के रूप में जमा होता है। अगर हमारे जो क्या कहते हैं यकृत में ग्लाइकोजन जमा होने के बाद उसके बाद हमारे मांसपेशियों में ग्लाइकोजन 90% जमा होता है। कह रहा है कि हेमी सेलुलोज क्या होता है, पहले देखते हैं सेलुलोज क्या होता है। अच्छा, इसको पूरा नहीं पढ़े, जंतु कार्बोज भी कहते हैं, इससे टूट कर ग्लूकोज देता है, क्या ग्लाइकोजन तोड़ने पर क्या होता है, मैं ग्लूकोज के रूप में एनर्जी देने का काम करता है। सेलुलोज है अनाज एवं दालों के छिलकों में पाया जाता है, कैलोरी शून्य होता है, अपचनशील होता है। सेलुलोज तो कभी पचता नहीं है, जैसे कि सब देखिए आंतों में क्रमानुकुंचन गति में सहायक होता है, कब्ज में फायदेमंद होता है, फिर आंतों में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, जो हमारा सेलुलोज जैसे हरे साग सब्जी में होता है। अच्छा, जैसे कि हम लोग खाते हैं जरूर हमें फाइबर मिलता है, लेकिन जो उसके क्रमानुकुंचन हमारी छोटी आंत में होता है, इस प्रक्रिया में उसे सहायता मिलती है और आंतों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। तो कब्ज के लिए भी फायदेमंद होते हैं, जो रेसेज होती हैं वो सभी सेलुलोज होते हैं, ये पचता नहीं है, बस इसके जो न्यूट्रिशन अवशोषित हो जाते हैं और ये फिर, और ये कैलोरी की बात करें तो सेलुलोज कोई कैलोरी नहीं देता है, अनाज एवं दाल के छिलकों में सेलुलोज की मात्रा होती है। आगे कह रहा है कि फिर हेमी सेलुलोज क्या होता है, हेमी सेलुलोज भी क्या होता है कि अपचन होता है, कैलोरीज का शून्य, आंतों के लिए लाभकारी होता है। पैक्टिन क्या है, जानवर एवं वनस्पति जगत की प्राप्ति के साधन है, पौष्टिक मूल्य शून्य होता है, इसमें कोई मूल्य नहीं, पौष्टिक तत्व नहीं पाए जाते हैं, जैम जेली के लिए निर्माण के लिए आवश्यक होता है, फलों एवं सब्जियों में छिलकों की उपस्थित होते हैं और पचनशील होते हैं। अच्छा, जो हमारा जैम जेली बनता है ना, पैक्टिन के ही कारण बनता है, पैक्टिन की वजह से ही हमारा जैम जेली का निर्माण होता है, उसी के कारण ही जमता भी है। ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अच्छा, अब इसमें देख लेंगे कुछ प्रोटीन के भाग, अब कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। अंडे में कौन से, अंडे के पीले भाग में प्रोटीन का नाम जो है एल्ब्यूमिन, ओवल्ब्यूमिन, ओवेग्लोबुलिन, ये तीन प्रोटीन हमारे अंडे के पीले भाग में पाए जाते हैं। गेहूं का प्रोटीन होता है ग्लूटेनिन, ग्लाइडिन, ये हमारा गेहूं के प्रोटीन हो गए। दूध का प्रोटीन कह रहा है लैक्ट एल्ब्यूमिन है, और मांसपेशी का प्रोटीन ग्लोबुलिन है, मक्के की प्रोटीन जीन है, चावल की प्रोटीन आर्जिनिन है, रक्त की प्रोटीन ग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहते हैं जिसे, अस्थियों की प्रोटीन क्लोजेन है, जौ की प्रोटीन होल्टिन है, मूंगफली की प्रोटीन एरेचिन है, बादाम की प्रोटीन एमेडीन है, आदि ये सभी इसके प्रोटीन के नाम बताए गए हैं। जी यहाँ आप देख लेते हैं वसा, वसा सब कुछ मेंशन किए कि इसके भी दो भाग होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, इसमें भी होते हैं संतृप्त और असंतृप्त वसा होते हैं। संतृप्त वसा वह जो कि जम जाता है, और संतृप्त वसा वह जो जमता नहीं है। इसमें कितने भाग बताए गए हैं, पांच हैं, ब्यूटायरिक, स्टियरिक और पामिटिक, आर्किडिक और कैप्रिलिन, ये सभी संतृप्त हमारे वशी अम्ल हो गए। और संतृप्त में है दो है, मोनो असंतृप्त, पॉलीसंतृप्त, मोनो में है ओलिक और पॉलीमेटोनिक लिक, और पॉलीसंतृप्त में है लिनोलिनिक, इकोडोर्निक और लिनोलेनिक होता है। ये सभी वसा के भी भाग डिवाइड किए गए हैं। ब्यूटायरिक जो अम्ल होता है ये पाया जाता है हमारे घी में, इसके सभी के नाम भी मेंशन है, इसे हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी बस जानने के लिए इतना इसे ही डायग्राम को बता दिए हैं। अब देख लेते, जैसे हम खनिज लवण के स्रोत देखते, खनिज लवण कैसे कहाँ पाया जाता है तो ये भी देख लेते हैं। देखिए है कि हमारा खनिज लवण का वितरण कैसे कैसे, स्वतंत्र रूप में, फिर यौगिक के रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में। अच्छा, ये है यौगिक के रूप में क्या है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड। अच्छा, कार्बनिक यौगिक रूप में यहाँ पे है हीमोग्लोबिन, फास्फोप्रोटीन, फास्फोलिपिड और फास्फोग्लूकोपिड, ग्लूकोलिपिड है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे 24 प्रकार के खनिज लवण उपस्थित होते हैं। हम 24 प्रकार के जो खनिज लवण उसके नाम हम जानेंगे, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, तांबा, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, निकेल, एल्युमिनियम, सेलेनियम, कैडमियम, सिलिकन, आयोडीन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, क्लोरीन, निकेल, मैग्नीज, क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेन, जिंक, कोबाल्ट। हमारे 24 प्रकार के खनिज लवण उपस्थित है, जो कि हमारे शरीर में पूरा 24 प्रकार के खनिज लवण उपस्थित नहीं हो पाते। किसी भी व्यक्ति को अगर वो हेल्थी है देखने पे लगता है, लेकिन हम इसे पूरा एथेंटिक तरीके से नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर हर प्रकार की न्यूट्रिशन या खनिज लवण उपस्थित है। किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ चीज़ की कमी पाई जाती है। यहाँ पे खनिज तत्वों का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है, इसको दो भाग में डिवाइड किए गए हैं, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। जैसे इसमें मेजर कहा मिनरल्स एलिमेंट है और ट्रैक मिनरल्स एनिंग जैसे मुख्य और गौण दो रूप में बांटा गया है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि जो मुख्य में है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम है और गौण देखिए प्राथमिक द्वितीयक होता है ना, तो ये है हमारा प्राथमिक, ये है द्वितीयक, तो मुख्य में ये आएगा और यहाँ पर द्वितीयक में ये आएगा। तो गौण में हमारा होगा लोहा, मैंगनीज, तांबा, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, सेलेनियम, जिंक, क्लोरीन और ब्रोमीन। जब इसके अंतर्गत भी देख लेते हैं फिर आएगा और यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन, क्रोमियम, कैडमियम, मोलिब्डेन, सिलिकन, निकेल और वैनेडियम, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत, गौण द्वितीयक खनिज तत्व के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक खनिज तत्व या मुख्य खनिज तत्व के अंतर्गत दो, दो चार, दो छः, एक सात ही आते हैं। सात हमारा क्या होता है, मुख्य होता है और गौण हमारा कितना होता है, ये एक से अधिक होते हैं। गौण यहाँ पे दिखाए गए हैं, क्वेश्चन पूछता है तो मुख्य के लिए तो सात। आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन टॉपिक आपको लगे कि नहीं पूछना चाहिए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।